नमस्कार दोस्तों, कैसे मेरे भाई को नई वीडियो पे स्वागत। दोस्तों, अगर आप भी अपने आधार कार्ड को गूगल या क्रोम से डाउनलोड करते हैं दोस्तों, वहाँ पर तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वहाँ पर आप लोग देखते हो दोस्तों, जब भी अपने पीडीएफ को ओपन करते हो आधार कार्ड दोस्तों, वहाँ पर पासवर्ड मांगते हैं दोस्तों। पासवर्ड आपको क्या पासवर्ड डालना है दोस्तों, आप लोग पासवर्ड नहीं जान पाते दोस्तों एंड ओपन ओपन करने की कोशिश करते हो, उसमें बहुत सारे आप रॉन्ग पासवर्ड डाल देते हो मेरे भाई। तो बने रहे दोस्तों आज की इस वीडियो में, दोस्तों हम आपको यही बताएंगे दोस्तों उसमें कौन सा आपको पासवर्ड डालना है मेरे भाई। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट फटाफट। तो बने रहना, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे रोज वीडियो हेल्पफुल मिलते रहे। दोस्तों, जब भी अपने आधार कार्ड को आप डाउनलोड करते हैं दोस्तों, पीडीएफ ओपन करते हैं मेरे भाई, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा आधार कार्ड है, तो मैं अब थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसको मैंने गूगल या क्रोम से डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो आधार कार्ड में, एक ही आधार कार्ड को 3 बार डाउनलोड किया भाई। परेशान हो गया कि भाई ओपन क्यों नहीं हो रहा, वहाँ पर पासवर्ड मांगता है भाई, एंड भाई हम पासवर्ड डालते हैं फिर भी नहीं ओपन हो रहा भाई। आप लोग समझ नहीं पाते उसमें कौन सा पासवर्ड डालना है। तो कौन सा भाई, बहुत सिंपल सा पासवर्ड है, आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमको कौन सा पासवर्ड डालना है। तो बस छोटी सी वीडियो होगी दोस्तों, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा इस पर ब्लैक स्क्रीन के साथ दोस्तों ओपन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा पासवर्ड डालना है ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर आपके आधार कार्ड का जो आपका नाम है, आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसको कैपिटल लेटर, यानी कि आपको कैपिटल लेटर का चार डिजिट यानी कि मैं मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अमन, तो भाई मैं कैपिटल लेटर में अमन लिख देता हूँ। अमन 4 अंक का होने की आपका नाम 10 अंक का या 15 अंक का या 8 अंक का है या 5 अंक का है, आपको पहले 4 अंक डाल देना है। तो 4 अंक मैं फटाफट डाल देता हूँ, मैंने सॉरी यहाँ पे नाम पढ़ा नहीं, AMAN मैंने अमन डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपको 4 डिजिट और डालना है मेरे भाई, वो आपका सन कितना है। जैसे आप मैं मान लेता हूँ आपका 2003 है या 2002 है या 2007 है, तो पीछे का सन होता है नहीं, जो आपका डेट ऑफ बर्थ था 29/7/2002, तो मेरा 2002 है मेरे भाई। तो आप कितना भाई, आपके पीछे का जो सन होता है 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, आपको पीछे का कितना अंक छोड़ना है, 4 अंक, यानी कि जो सन होता है आपको उसको डाल देना है। तो मैं डालता हूँ 2007, कितना 2007। अब कर देना आपको ओपन पे क्लिक। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को ओपन कर दिया। काफ़ी आसान ट्रिक दोस्तों, इस प्रकार आप अपने आधार कार्ड को, यानी कि आपके नाम का 4 डिजिट होना चाहिए, यानी कि 4 अक्षर होना चाहिए, वो भी कैपिटल लेटर, उसके बाद सन होना चाहिए 4 अंक का, तो भाई होता है सिंपल सा, आपका कौन सा सन है इसको आपको भाई स्पेस नहीं देना है, उसी में आपको लिख देना है, ओपन हो जाएगा भाई। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आप वीडियो देख लिए भाई तो 100% आपका काम हो जाएगा। पसंद आया होता है लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब तो करके जाना, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।